वहाँ हुआ? क्या हुआ? आप क्या करते हैं? हम एलआईसी में एजेंसी करते हैं। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य विहार कॉलोनी निवासी वैभव कुमार अपनी मां और पिताजी के साथ भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सीनियर एसपी नितासा गुड़िया को दिए आवेदन में वैभव ने अपने पड़ोसी शंभुनाथ भगत, उनकी पत्नी साधना देवी, पुत्र इंद्र कुमार और उनके दामाद महेश कुमार के द्वारा अपने मकान उन्हें नहीं बेचने को लेकर पूरे परिवार के साथ दोबारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। वैभव ने बताया कि 2019 में भी उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। वहीं वैभव की मां ने बताया कि उसके पड़ोसी शंभुनाथ भगत का दामाद पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है और जिस तरह मकान के लिए उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे जल्द ही उनका पुत्र अपराधी बन जाता है, तो इसके लिए पुलिस विभाग ही जिम्मेदार होगा। जिस विभाग को लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा लोगों के साथ किया जा रहा यह व्यवहार पूरे पुलिस महकमा को शर्मसार करने वाला है। बिहानुष प्रतिदिन के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और हम जो है जैसे यहाँ आए हैं तो हमारे बच्चे लोग को टॉर्चर पूरा कर रहा था, उसके बाद जो है पूरा डराउन धमकौन देते रहता है कि घर बेच के भागो। हाँ, 10-20 लड़का को बुला के मारपीट पिछले साल किया था, फरवरी 2020 में मारपीट किया, लगभग वान कर दिया, केस मुकदमा हो गया, इंजुरी वगैरह सब है। हमको 4 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा में बनाए हैं, 2 कट्ठा में शेड है, वो कहता हमको बेच दो जबरन को, भागो निकल के यहाँ से, हाँ नहीं रहने देंगे। कौन कौन है परिवार में आपके? हमारे परिवार में हम है, हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। मेरे सास को भी मारा, बच्चे के साथ का भी ये जो मार, ये 2 फरवरी 2020 को इस तरह का घटना किया था। और पुलिस सबको जो है 4-5 थाना को मिला के जो है सब, मतलब क्या कहिएगा, हम लोग का कुछ नहीं सुना, मारपीट भी किया और उल्टे पहले केस वो कर दिया, हम लोग को बोला कि फर्द बयान आपका हॉस्पिटल में होगा तब आपका केस लिया जाएगा, और जितना बात बोले वो सारा चीज़ छापा भी नहीं, फर्द बयान में नहीं लिया। और उसके बाद जो है और पुलिस सबसे मिल के मोबाइल टावर दिखा करके, लोकेशन दिखा करके, वो जो है एसपी से, डीएसपी से सुपरविजन करा करके। आप कहीं गए किसी अधिकारी से उनकी शिकायत को लेकर, महेश कुमार की शिकायत को लेकर? नहीं, कहीं नहीं जा सके हम तो खुद दहशत में थे, थाना तक गए थे हम, उसमें थाना प्रभारी नवनीश कुमार थे, बोला कि आपका सब हो जाएगा। कौन सा थाना पड़ता है? बरारी थाना है। बरारी थाना आप गए थे? जी, बरारी थाना गए थे, दिए थे, सारा चीज नहीं सुना। 8 तारीख को भी घटना इस तरह की घटी, हमने थाना प्रभारी को फोन किया, थाना की गाड़ी आई आधा घंटा बाद, तो अपोजिट पार्टी के यहाँ आया और वो जो है उसी के यहाँ चाय नाश्ता करके चले गया। हमारे गेट में खाली लेडीज पुलिस को बोला के पूछ लो क्या हुआ है, तो हम बोले कि हम गेट अगर खोलते हैं तो हमको मारपीट करेगा। अभी कौन कौन लोग आए हैं आप लोग? हम आए, हम हमारी पत्नी भी आई है, हमारा बच्चा है अब वैभव कुमार यहाँ है, छोटा बच्चा। एक मिनट, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलका शर्मा है, मेरा 0 माइल में, मेरा बच्चा महेश चाणक्य विहार कॉलोनी का हम रहने वाला है, मेरा बच्चा लगभग महेश कुमार। कहाँ आई है अभी? कहाँ आई? अभी एसपी कोटी में हम आए हैं अपने कार्यालय में अपने रिपोर्ट देने के लिए। मेरा मामला क्या है? मेरा मामला ये है कि मेरा बच्चा लोग का हमेशा टॉर्चर कर रहा, मारपीट कर रहा, महेश कुमार की पत्नी, उसका सास ससुर, थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी तिलका माझी का, वो हमारा साथ अत्याचार कर रहा मेरा बच्चा लोग के साथ। बचा लो मेरे बच्चे को, अगर मेरा बच्चा बदमाश बन जाएगा तो आज का युवा बदमाश हो रहा है, बन जाएगा, बचा लो। कारण क्या है? कारण यही है, कुछ मेरा जमीन बेच के भागो, घर से भाग जाओ, नहीं रहने देंगे, बेचो हमको, हमको बेच दो, भाग जाओ घर छोड़ के, नहीं तो तुम्हारा बेटा को मरवा देंगे। बहुत बच्चा को मेहनत से आगे बढ़ाए, 8 तारीख हुआ, फिर तो उस पर 3 बार और उतर चुका है लोग मारपीट मेरे साथ, 3 बार केस मुकदमा चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको डर नहीं है। मेरा कैमरा लगा, मिला के रखा है, थाना को मिला के रखा,
हम लोग का कुछ नहीं सुनता है, समाज को मिला कर रखा, हमको बचाओ, समाज वाला भी दहशत में आके हमारे तरफ कोई नहीं बोलना चाहता, मार देगा वो लोग, मेरा पति कैंसर पेशेंट है, मेरा पति को मार देगा, मेरा बच्चा लोग को मार देगा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चलिए आप अभी आए हुए एसएसपी से मिल, आज हम अपना बच्चा को बदमाश बना देंगे, सब पूरा पुलिस पुलिस समाज कहेगा कि बदमाश हो गया। आज का युवा, आज का युवा हम इतना बन इतना मेहनत करके रोटी नहीं खाते, हम अपना बच्चा को पढ़ाते हैं, क्या मेरा क्या कसूर है, बताओ बताऊ हमको कोई ये लोग ये महेश जो रैकेट जो तीन लोग करता है चलाता है बदमाश सर, बदमाश का लड़का सबको रोड में है गंगा ब्रिज के पास पिछले साल से ही सास ससुर वो खुद बाबर का मिसुर किशनगंज से ट्रांसफर लेकर यहाँ खुद हम लोग को परेशान करने के लिए आया है कि मेरा किसी तरह से केस उठा लो नहीं तो तुमको मरवा देंगे। इससे पहले कोई केस किए थे क्या? हाँ, इससे पहले तो फरवरी 2020 में 2020 केस हुआ था, घर में आदमी पूरा का मेरे घर में छिटकिनी ने लगा था नीचे वाला गेट का, तो गेट मेरा खुल गया तो उसमें सब आदमी ये भी घुस गया अंदर और बड़ा वाला रॉड 2 इंची का एंगल वाला रॉड लेके पूरा मेरा पैर एकदम खुचक दिया, हड्डी तोड़ दिया, मेरा मेरा सारा कुछ पूरा यहाँ चोट लगा, रॉड से मारा, पूरा इंजरी है उसमें, इंजरीज है मेरे पास, पैर पैर पूरा खिचक दिया। और जब फिर अब ये कहता है कि फिर कुछ दिन शांत रहा, उसका खीर पूरी खुद दिया कि एक साल के लिए हमको शांति चाहिए, उसका फिर अभी ये जो है तो कभी इसी इतना ज्यादती हुआ तो कभी थाना पे क्यों नहीं गए, अंकल हम लोग का कोई अधिकारी के पास क्यों नहीं, ये हर जगह पैरवी कर करके ये हर जगह पैरवी कर करके इस सब को बरगलाते रहा, उल्टा जो है ना थाना प्रभारी जो है ना हम ही लोग को डांटने लगता है, हाँ हम ही लोग को बोलने लगा, हम ही लोग को बोलने लगा। इस बार वाला जो थाना प्रभारी बरारी में आया मेरे घर के जस्ट 10 कदम आगे ही रहता है, लेकिन उसको उससे कोई मतलब नहीं, प्रमोद कुमार साहब, हाँ प्रमोद कुमार साहब उससे इसको कोई मतलब नहीं, मिले कभी प्रमोद जी से जाके? हाँ मिले, फोन भी किए। जब ये ऐसा फिर जब हम कैमरा लगाए अपने घर में, जब ये 8 तारीख को फिर ये घटना हुई, सारा बताते हैं कि आप ही का गलती है, सारा हम ही लोग का गलती है, ये कैमरा में दिखाते हुए बोलते हैं कैमरा का सब ये सब फेक है, ये वीडियो सारा फेक है, क्या करते हो? हम अभी बिकम पार्टी में पाटा है, मारवाड़ी कर रहे हैं अभी हम। पुलिस ने कब मारपीट किया तुम्हारे साथ, कहाँ जख्म देखी?